तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पिछले कुछ महीने पहले खरबी में हम आए थे, जहां पे हमने हमारे कुछ खिदमत फाउंडेशन के भाइयों का हमने इंटरव्यू लिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग लाइब्रेरी कायम करना चाहते हैं इस एरिया में, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़े और अपने मकसद को अचीव करें, और उन्हें अपने टारगेट कैसे सेट करना, उसे कैसे हासिल करना, ये सब उन्हें इस किताबों के ज़रिए से भी आ सके और साथ साथ दीन का भी नॉलेज बच्चों को यहाँ के मिले। इसीलिए इन्होंने एक लाइब्रेरी कायम किया है खरबी में। इस वक्त हमारे साथ है सैयद साहब जी। आपका पूरा नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा पूरा नाम है काजी नियाजुद्दीन। तो खिदमत फाउंडेशन ने किस मकसद से इस एरिया में लाइब्रेरी कायम की? हमारा मकसद यह है कि हम दीनों और दुनिया दोनों की किताबें यहाँ रखें और दोनों की तालीम दें। दीन के लिए तो कैसा है कि हम लोग मदरसे वगैरह चलाते हैं, कोशिश करते, लेकिन ये दुनिया की तालीम जैसे स्कूल वगैरह के जो होते हैं ना, तो कुछ बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं, जैसे 10वीं 12वीं में जब वो पहुँचते हैं तो कुछ किताबें वो ले ही नहीं सकते, तो हम चाह रहे हैं कि वो किताबें हम यहाँ रखें और वो अपना एक एंट्री करा ले और यहाँ से किताबें घर ले जाए, उसमें से कुछ कौन सा क्वेश्चन आंसर्स याद करे और उसको स्कूल में उनकी जो ज़रूरत के मुताबिक याद करके उसको आगे तरक्की करे। इस हिसाब से हम लोग दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से दीनी किताबें भी हम यहाँ रखना चाहते हैं और दुनियावी किताबें यहाँ रखना चाहते हैं, और रख करके उन्हीं किताबों को बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि वो बच्चे हमारे कौम के नहीं, दिगर कौम के भी, कोई और कौम के भी हो, तो हम एक समाज सेवा सब के लिए, ऐसा नहीं कि इसी मुसलमानों के लिए, सब के लिए है, तो उन वो भी किताबें, लेकिन बस बात यह है कि लोग हमारी मदद करें तो हम सबके हिसाब से किताबें रख पाएंगे। आपको क्या लगता है लाइब्रेरी की अहमियत कितनी है? क्या हर बस्ती में एक ना एक लाइब्रेरी होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये लाइब्रेरी जो है तो हर बस्ती में एक ना होना चाहिए, एक ना एक ऐसी, मतलब हर 2 किलोमीटर में मैं तो समझता हूँ कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अब उतने दूर से बच्चा यहाँ आ जाए ले जा ले, या हमको भी ऐसा लगे कहाँ रहता कहाँ नहीं, तो हर बस्ती में 2 किलोमीटर में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। लेकिन उसके लिए कैसा है कि अब कोई गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है कि खुद ला के लाइब्रेरी डाल देगी, हम लोग को पहले अपने बस्ती के लोगों को कोशिश करना पड़ेगा कि पहले हम कोई छोटे अंदाज में इसको शुरू करें, और जब उसकी मतलब शुरू हो जाती है तो तब हम गवर्नमेंट या जिस तरह भी जो भी संस्था है या अपने बस्ती के लोग जो है कुछ मदद करके कुछ किताबें दे दे, ताकि हमारी बस्ती के लोगों का भला हो। नागपुर में और दिगर शहरों में हमने देखा कई NGOs है जिनके छोटे छोटे ऑफिसेस होते हैं, उसी तरीके से खिदमत फाउंडेशन का भी एक ऑफिस ही है और उस ऑफिस में इन्होंने एक लाइब्रेरी शुरू किया है जी। तो जितने भी NGOs जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो भी अपने ऑफिस में से लाइब्रेरीज कायम करें? उन्हें मैसेज ये देना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है, वक्त देना और थोड़ा सा खर्च करना, अगर आप एक अच्छी शुरुआत करते हैं तो काफ़ी लोग मदद करते हैं। तो मैं उनको मैसेज ये देना चाहूँगा कि हर बस्ती के लिए एक ऐसी कोशिश ज़रूर करें कि एक रूम कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पहले अपन हालांकि लाइब्रेरी में टेबल होते हैं, बैठने के लिए चेयर होती है, यहाँ फिलहाल इन्होंने इतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश किया कि कुछ चेयर लगाए टेबल लगाए, तो छोटे से शुरुआत करें तो आगे बड़ी हो ही जाती है। तो मैसेज यही दूंगा मैं कि कहीं ना हर बस्ती में जो है तो एक लाइब्रेरी की शुरुआत छोटे से करें, आगे तरक्की। उसी रूम में उनका ऑफिस? हाँ उसी रूम में, हाँ इस तरीके से दोनों का जी। आपका पूरा नाम क्या बताया? मोहम्मद गुलाम रजा साहब भी हमारे साथ है इस वक्त। तो पिछली बार हम जब आए थे आपके कुछ दोस्तों का भी हमने इंटरव्यू लिया था, तो कितना वक्त लगा इस लाइब्रेरी को कायम करने में और कैसे सपोर्ट मिल पाया लोगों का? इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, काफ़ी लोगों ने बहुत बेहतरीन अंदाज में हमको सपोर्ट किए, और आज पब्लिक के सपोर्ट से ही जो है ये खिदमत एजुकेशन लाइब्रेरी ओपन की गई। और माशाल्लाह ये जब आपने इंटरव्यू लेके गए थे उस वक्त आपने देखे थे यहाँ पर काम शुरू था, तकरीबन आपके जाने से एक हफ्ता बाद इसकी ओपनिंग हो गई थी जी। इस एक हफ्ता बाद ये ओपनिंग हो गई थी। वगैरह कैसे क्या मतलब यहाँ तक पहुँच पाई? इसके अंदर में कुछ फाउंडेशन की जानिब से आई है और कुछ लोगों ने डोनेट किए हैं। और आगे चल के अगर से आपको इसका और इसे बढ़ाना है तो कैसे हो पाए? इसके ऊपर में हमारी तैयारी है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे एजुकेशन फील्ड में अच्छे से अच्छा काम करेंगे, और लाइब्रेरी को भी हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। हम सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहते हैं, जितना ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा लोग डोनेशन देंगे, इंशाल्लाह उतना ज़्यादा और उतना अच्छा काम होगा। हमारा मकसद तो यही है कि कौम की खिदमत करना, चाहे वो एक समाज सेवा करना हमारा मकसद है, चाहे फिर वो किसी भी कौम के लोग हो, हमारे को एजुकेशन फील्ड में काम करना है,
गरीबों की हेल्प करना है एजुकेशन को लेके, बस यही हमारा। तो क्या रिस्पांस मिल पा रहा है इस बस्ती के लोगों का फिर आपको, क्या लोग किताब लेके जा रहे हैं पढ़ रहे हैं? जी अभी तक के जब से यहाँ पे लाइब्रेरी ओपन हुई है, अभी तो फिर काफ़ी दिन यहाँ पे लॉकडाउन होने की वजह से ऑफिस भी काफ़ी बंद था, तो लेकिन जितने भी दिन शुरू रहा अच्छा रिस्पांस मिला, दिन भर में 4-5-6 लोग आते हैं लेके जाते हैं, 2-4 दिन के बाद किताबें पढ़ के फिर वापस लाते हैं और फिर नई किताबें लेके जाते हैं, इस तरह का रिस्पांस अभी फ़िलहाल है। अभी जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा तो इसमें इंशाल्लाह और तेज़ी आ सकती है। तो जैसा भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 90% दीनी किताबें, तो दुनियावी किताबें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए, ऐसा क्या प्लानिंग है इसका? नहीं, इसकी प्लानिंग हमारी यही है कि दुनियावी और दीनी दोनों किताब हमारा मकसद है यहाँ पे रखना, ताकि लोग को दीन का भी इल्म हो और दुनिया का भी इल्म हो। तो यहाँ पे दीनी किताबें जो आप ज़्यादा देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने भी किताबें डोनेट किए हैं, तो ज़्यादातर दीन ही किताबें आई हैं, क्योंकि इसको महरूमिन के साले सवाब के लिए इसमें लोगों ने डोनेट करे थे, तो लोगों की तवज्जो दुनियावी किताबों की तरफ नहीं गई। लेकिन इंशाल्लाह जैसा अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह शुरू हो जाएंगे और हमारे यहाँ पे, तो इंशाल्लाह हम इस पे जो है दुनियावी किताबों की तरफ हमारी ज़्यादा तवज्जो रहेंगी, ताकि हम लोगों की हाजत को महसूस कर सके कि लोगों को किस किताब की ज़रूरत है, फिर उनके एतबार से यहाँ पे किताबें रखी जाएंगी। ये हमारा आगे इंशाल्लाह इसकी तरकीब है। अगर से कोई हमारा ये व्यूअर अगर से आपको बुक्स डोनेट करना चाहता हो तो कैसे आप तक वो बुक को पहुँचा पाए थे? अगर कोई हमको ऐसा डोनेट करना चाहता है तो वो हमारे नंबर्स के ऊपर में कांटेक्ट करें, और वो हमारे ऑफिस में भी आ सकता है ताकि वो ये लाइब्रेरी को देख भी ले। हम चाहेंगे एक बार आप अपना एड्रेस पूरा बता दें। रोशन बाग खरबी, रज़ा जामा मस्जिद के जस्ट बाजू, और यहाँ का अगर आप गूगल पे पिन कोड भी सर्च करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। 4400034, आप जामा मस्जिद के पास आ जाएंगे, आपको खिदमत फाउंडेशन की लाइब्रेरी दिख जाएंगी और सुन्नी मोहल्ला क्लिनिक के जस्ट आगे में। तो और भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों की आप किस तरह से हेल्प करोगे? अगर कोई नीट की एग्ज़ाम दे रहा है या फिर JEE की एग्ज़ाम दे रहा है, और ये सब जो बुक्स होती है ना ये ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो अगर वो ज़रूरतमंद है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, और हमसे कांटेक्ट करने के बाद वो बताए कि हमको ये चीज़ की अवेलेबल है, तो हो सके हमारे कांटेक्ट में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो JEE की क्लासेस कर चुके हैं या फिर नीट की क्लासेस कर चुके हैं, उनसे हम बुक प्रोवाइड करके उसको दे देंगे। कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप लोग, मतलब यहाँ पे बच्चा के खुद पढ़ते हैं या बुक्स लेके जाते हैं, कैसे हो पा रहे? यहाँ पे तो अभी यही देखा जा रहा है कि बच्चे जो है बुक्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन का भी है और फिर उनको पसंद आ रहा है कि हम घर में बैठ कर थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़े, थोड़ा सा टाइम देते हुए पढ़े, क्योंकि बच्चे जब बुक्स लेके जाते हैं तो 3 से 4 दिन बाद लेके आते हैं। लाइब्रेरी की क्या अहमियत मानते हो आप? अगर हमें इस फील्ड में और हमें एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमें बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जो पढ़ेगा वही सीखेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो उस जाहिर सी बात है कि वो सीखेगा क्या। अभी हमने देखा है कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कई सालों पुरानी लाइब्रेरी है लेकिन वो पूरी खंडर बन चुकी है, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? ऐसे लोगों के लिए यही रहेगा कि वो अपनी लाइब्रेरी को जो है थोड़ा सा क्लीननेस करे, फिर उसके बाद में ऐसा करे कि जो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं उनसे खुद जाके कांटेक्ट करें और बोले अगर आपको ज़रूरत है बुक्स की तो आप हमारे पास आइए, हम आपको बुक्स प्रोवाइड करके देंगे। इससे क्या होगा कि 1 से 2 बच्चा आएगा, 2 से 3 बच्चा आएगा, उससे हमको ये चीज़ पता चलेंगी कि इस समय पे कौन सी बुक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर सिर्फ एक लाइब्रेरी ओपन है तो लाइब्रेरी में ऐसे नहीं कि हर प्रकार की बुक्स होती है, वहाँ पे कुछ बुक्स ऐसे होती है कि जो ज़्यादा फेमस होती है लेकिन वो बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती है। तो इस समय पे ऐसा कर सकते हैं कि जो इस समय पे बुक्स अवेलेबल है, जो फेमस है, वो बुक को हम अवेलेबल करवा लें। उससे क्या होगा कि जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो और आएंगे, हमसे बुक्स लेके जाएंगे, फिर क्या होगा कि और भी जो आगे फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे वो बुक्स उनके भी काम में आएंगी, क्योंकि ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि बच्चे की जब 10वीं हो जाती है तो वो अपने बुक्स को कबाड़ वालों के पास बेच देते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई बच्चे की 10वीं हो चुकी है, 12वीं हो चुकी है, तो वो अपनी बुक्स को ज़ाया ना करें। कबाड़ वाला क्या करता है, बुक्स को फाड़ता है, फाड़ के रद्दी में बेच देता है, और उससे क्या है कि जो लिखी हुई जो अहमियत है ना वो भी चले जाती है,
उससे अच्छा कि वो बुक्स को कोई गरीब को दे दे या फिर लाइब्रेरी में लाके जमा करवा दे, हमारे पास जमा करवा दे, उससे क्या होगा कि आगे में और बढ़ते जाएगा एजुकेशन। आपका ये छोटा सा ऑफिस भी है और साथ में आप लाइब्रेरी भी चला रहे हो। जी, नागपुर शहर में 100 से भी ज़्यादा ऐसे NGOs अभी तो बन चुके हैं जब से लॉकडाउन लगा, उनका ऑफिस भी है, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे कि वो अपने ऑफिस में ऐसा ही एक लाइब्रेरी कायम करें? देखिए, जैसे कि आप अपने फील्ड में वर्क करते हैं तो वैसे मैं भी एक आपसे कहना चाहूँगा कि आप एजुकेशन फील्ड में भी कम से कम रोज़ का आधा घंटा एक घंटा तो दे। इससे क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जो नस्ल रहेंगी वो पढ़ी लिखी बनेंगी। अगर जो बंदा पढ़ा लिखा होता है वही बंदा आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है बिना पढ़े लिखे डॉक्टर्स बनते नहीं है, इंजीनियर बिना पढ़े लिखे बनते नहीं है। पढ़ेगा जब भी तो बनेगा ना, पढ़ेंगे ही नहीं तो वो बनेगा कहाँ से? और पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किताब की। हम अपने मोबाइल से कितना भी पढ़ने की कोशिश करें हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि मोबाइल ये पढ़ने के मकसद से नहीं बना गया है, मोबाइल ये कॉलिंग के मकसद से बना गया है, सोशल मीडिया के मकसद से बना गया है। लेकिन किताबें जो है ना ये सिर्फ पढ़ने के मकसद से बनी गई है। किताब अगर हम पढ़ेंगे तो उसका नॉलेज हमको आएगा। और किताब पढ़ने से फ़ायदा ये है कि अगर आप मोबाइल से पढ़ते तो आपके आइस जो है ये लॉस होने के इसके अंदर चांसेस है, लेकिन अगर आप किताब कितने भी देर तक के पढ़े उसके अंदर आपके आइस को कोई खतरा नहीं है। तो आप बुक्स की तरफ बढ़े और बुक्स के लिए आप ऐसा हो सके कि बुक्स डोनेट करवाए गरीब बच्चों को या फिर इसके अवेलेबल करवा के दे कोई सी भी लाइब्रेरी में आप।